जय माता दी फ्रेंड्स, जय माता दी। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आज, क्योंकि मैं आज आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ कहाँ आया हूँ मैं आज। मैं आज आया हूँ वैष्णो माता। ये देखिए, अभी मैं हूँ कटरा में और अभी सुबह के 7 बजे हैं और ये मुझे ऊपर जाना है यहाँ तक। अब मैं जाऊंगा यहाँ से घूम के और यहाँ से नीचे, और ये नीचे आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे बड़ी स्क्रीन है वहाँ पे लाइव आरती चली है श्री वैष्णो माता जी की। वहाँ पे मेन गेट है, मुझे यहाँ से सिक्योरिटी चेक इन करके फिर मैं अंदर जाऊंगा और फिर यहाँ से फिर ये रास्ता और यहाँ से ऊपर। ये यहाँ पे आधा ही दिख रहा आज, क्योंकि आज बादल है। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ सिक्योरिटी पॉइंट के पास, चेक इन पॉइंट के पास। इसको बोलते हैं फ्रिस्किंग पॉइंट। ये फर्स्ट चेक इन पॉइंट है और इसके बाद ही एंट्री होती है, यहाँ पे चेकिंग होती है। तो जैसे ही हम चेकिंग पॉइंट क्रॉस करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिलता है, लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये बहुत अच्छा, जैसे वैष्णो माता की जैसे असली गुफा है ना ऊपर, वैसे ही ना इन्होंने भी कुछ ऐसे ही क्रिएट करके रखा होता है। तो ऐसा एक ही शॉप नहीं, ऐसी बहुत सारी शॉप्स होती है यहाँ पे। ये यहाँ पे भी है, पीछे भी थी, ये देखिए ऐसी, और लगभग हर दूसरी या तीसरी शॉप ऐसी देखने को मिलती है ना। दो तरह के रास्ते जाते हैं, एक तो होता है रैंप की तरह और एक होता है सीधी पौड़ियाँ। तो मैं पौड़ियाँ ही चढ़ता हूँ और मैं पौड़ी से जाता हूँ, तो मैं पौड़ी से चलूँगा। अब मैं आपको बताऊँगा, अभी ये फर्स्ट है ना यहाँ से सीढ़ियों की। तो ये देखो, इन सीढ़ियों की संख्या है 425। और यहाँ पे ना लिखा होता है कि कोई हार्ट पेशेंट है या कोई बहुत बुजुर्ग है तो वो इनका प्रयोग ना करें। मैं कोशिश करूँगा एक छोटे से वीडियो में सब कुछ कवर करने की, तो थोड़ा थोड़ा स्किप भी करता रहूँगा बीच में। और जय माता दी। क्यों रो रही है? क्यों रो रही है बोल, बता क्यों रो रही है? कहाँ है? अच्छा, चलो आगे आगे साथ वाले इसके। ये छोटी सी बच्ची थी, पता नहीं मैं क्यों रो रही। बैठ जाए, बैठो, बैठ जाए इधर ही आप, ठीक है? आगे तक साथ वाले भी आगे नीचे से, वो आगे बच्चे, बैठ जाए। तो मुझे ये छोटी सी बच्ची दिखी, मैं क्या पता नहीं क्यों रो रही है। तो ये शायद इसके साथ वाले गुम हो गए थे, पीछे रह गए थे। ये देखो, अब मैंने बोला इधर ही बैठ जा बच्चे, बैठ जाएगी शायद। अबे 180, और इनको भी करते हैं कंप्लीट। तो जय माता दी। ये नेक्स्ट आ गई यहाँ पे, बट इसमें कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है, शायद बोर्ड टूट गया है। चलो जी, ये पड़ाव भी पूरा हुआ और अब नेक्स्ट है यहाँ पे 360। जय माता दी। नेक्स्ट सीढ़ियाँ है ये बडीन की, काउंटिंग फिर से नहीं लिखी है यहाँ पे, तो करते हैं इनको भी कवर। जय माता दी। ये वाली सीढ़ियाँ ना ज़्यादा थी नहीं, मुझे लग रहा 100 के करीब ही होगी। मेरा एमपी है इसके आगे, इसके आगे अभी स्टेज नहीं है। ये सारा जो ट्रैक है ना, ये सारा कवर्ड है और 24 घंटे यहाँ पे यात्री चलते ही रहते हैं। अभी ना नीचे से मैं इतना आ गया, ये नीचे कटरा शहर दिख रहा है। तो अभी मुझे लगभग 40 मिनट हो गए ट्रैक करते हुए, और 40 मिनट में मैं इतनी ऊपर आ गया हूँ। पर मैं चलाऊँ सिर्फ सीढ़ियों से, कई बार ना ये घोड़े वाले ना बहुत क्लोज आते हैं, आपको अपनी सेफ्टी का ना खुद ही ध्यान रखना पड़ता है और थोड़ा साइड से चलना पड़ता है। कई बार ना जहाँ पे इनके लिए ट्रैक नहीं बना होता, ये ऊपर ही आ जाते हैं। तो माता के भवन के पास जो शॉप्स है ना, वहाँ के लिए ना देखो सामान ऐसे जाता है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ सकती, तो लोग ऐसे ही बड़े बड़े ठेलों पे इनको ना धकेल के खींच के ऐसे लेके जाते हैं। ये लोगों को बैठने की जगह है, आराम करने की जगह है। पेड़ों के बीच अगर नीचे दिख रही हो, ये देखो दिख रहा है ना,
यहाँ पे लोग थोड़ी देर आराम करते हैं। जब से मैं चला हूँ तब से अभी तक तो नहीं बैठा हूँ, बट अभी ऐसा फील भी नहीं हुआ कि मैं बैठूँ। तो अभी तो मैं करूँगा, चलूँगा, अभी क्रॉस करूँगा, उसके बाद देखते हैं कहाँ जैसे फील होता तो बैठूँगा, अदरवाइज़ मैं कभी वैसे बैठा नहीं। जाती बारी तो नहीं बैठा, आती बारी तो एक बार बैठना पड़ता है। तो ये वाली सीढ़ी अभी ख़त्म होती है यहीं पे, और इसके बाद अगली सीढ़ियाँ आती है यहाँ पे, और इनका जो काउंट्स है वो है 115। कैसे ये ऊपर देखिए अर्धकुंवारी पहुँच गया हूँ मैं, ऑलमोस्ट आधा रास्ता मेरा कंप्लीट हो गया है। बट मैं ना यहाँ से नहीं जाऊँगा, यहाँ से ना एक दूसरा ट्रैक है, मैं कोशिश करूँगा मैं वहाँ से जाऊँ और वापस मैं यहाँ से आऊँ ऊपर से भैरनाथ के मंदिर से। तो अभी मैं नया ट्रैक से जाता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ नया ट्रैक। जय माता दी, वापसी में आऊँगा यहाँ से और अभी जाऊँगा हिमकोटी मार्ग से, क्योंकि वहाँ से ना मुझे 1 किलोमीटर ना कम पड़ेगा। देखो, बैटरी पावर्ड व्हीकल हैव बीन स्टार्टेड फॉर द फैसिलिटी ऑफ सिक ओल्ड एज हैंडीकैप्ड यात्रीज फ्रॉम भवन टू अर्धकुमारी एंड वाइस वर्सा, प्रायोरिटी स्लिप विच कैन बी हैड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द SDM तहसीलदार। बट ना अब मैंने देखा है ऑलमोस्ट सारे लोग जाते हैं, तो मुझे फिर से एक चेक पॉइंट से क्रॉस करना है, उसके बाद मिलते हैं। सिक्योरिटी चेक पॉइंट मैंने क्रॉस कर लिया है। अब देखो यहाँ पे क्यू फॉर डिफरेंटली एबल्ड हैंडीकैप्ड सीनियर सिटीजन पीपल विद लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ओनली, है ना। अर्धकुमारी टू भवन यहाँ पे है 354 पर पर्सन। इसमें ना ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 10 से 12 लोग तो बैठ ही जाते होंगे। देखिए कटरा शहर जो नीचे रह गया, मैं इतनी ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर ना एक ना बहुत एक नया रास्ता भी बना है, नया ताराकोट मार्ग। जय माता दी। और अब माता का भवन रह गया 5 किलोमीटर, और बहुत अच्छा सा लगता है जब हम थोड़ा ना नज़दीक पहुँचने लगते हैं। जय माता दी, जय माता दी। अभी ना मैं रास्ते से जब चल रहा था तो पालकी वालों की तरफ ना मैंने एक ध्यान दिया कि जो पालकी में सबसे पीछे जो अंकल लगे हैं ना, इनका एक हाथ देखो काम नहीं कर रहा है, और इनका जो लोअर लिम्ब है ना, जो टांग है, उसमें भी फ़र्क है। बट ये अंकल ना देखो कितने अच्छे से ये पालकी उठाने का काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये देखो अंकल जी ना कितनी मेहनत कर रहे हैं, और अंकल जी के लिए सच्ची दिल से रिस्पेक्ट है, जो अपने जो मतलब काम करने के बावजूद भी नहीं, काम करने की कितनी इच्छा है। तो यही होता है कि जिसको कुछ करना होता है ना वो कर ही लेता है, वो अपने एफर्ट्स जिसको डालने होते हैं ना वो एफर्ट्स डालता है बेचारा और करता है। तो अंकल जी को सच्ची दिल से रिस्पेक्ट है। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो डाला था कि हमारे ना ओली मॉली जूली मेरे सारे पेट्स ना बीमार हो गए थे, और वो मॉली के तो ना 2 बच्चे ना बेचारे, उनको मैं बचा भी नहीं पाया, वो तो एक्सपायरी हो गए। तो मैंने ना एक विश की थी कि जब भी जैसे मेरे ओली मोली जूली सारे ठीक हो जाएंगे तो मैं ना वैष्णो माता जाऊंगा। तो मैंने वैष्णो माता से विश की थी, तो मेरी ना विश पूरी होगी, तो इसलिए मैं वैष्णो माता आया हूँ। और इस बारी मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ, एक ब्लॉग बनाऊँ इस पर। तो कोशिश करूँगा कि एक छोटा अच्छा सा एक वीडियो बने, जो आए उनको जय माता दी, और उनको बोलूँगा कि वो दोबारा आएँ, और जो नहीं आए जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कोशिश करें कि आए एक बार, बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत सुकून मिलता है। और ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि जो नहीं आए हैं उनको ना एक ओवरव्यू मिल जाए कि यहाँ पे किस तरह का रास्ता है, कैसे आया जाता है, कैसे क्या नाम, सारा कुछ। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सारा कुछ कवर करूँ। जय माता दी। इस टाइम ना मैं हूँ भवन से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर रह गया है अभी पैदल रास्ता। बट नीचे ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब मैंने नीचे से चलना शुरू किया था, जबकि मैं अर्ली मॉर्निंग पहुँच गया हूँ, मैं ऑलमोस्ट 7 बजे नीचे से चल पड़ा था। और अभी देख सकते हो मेरी ये जो टी शर्ट है ना,
ये पूरी गिल्ली हो चुकी है फ्रंट से। और ये बैग है ना, बैग की जो बैक है ना, अगर इसको भी मैं छूता हूँ ना, टच कर रहा हूँ, तो ये गीला है, हो चुका है। और ना यहाँ पे जब भी आप आए, यहाँ पे क्या, जब भी आप ट्रैकिंग पे जाए, कहीं पे भी हाई अल्टीट्यूड पे जाए, तो ना कोशिश करना होता है कि आप वही सामान रखो ना अपने पास जिसकी ना बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लगता है ना कि कोई आपके पास ऐसा सामान है जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ना जो सामान ना ऑलमोस्ट एक किलो होगा ना नीचे, वो ऊपर आ गया ना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने 10 किलो उठा के रखा है। अभी इस बैग में ना मेरे पास कुछ ज़्यादा सामान है नहीं, पर फिर भी मेरे को ना बहुत ज़्यादा वेट लग रहा है। अब भवन का रास्ता रह गया 2.75 किलोमीटर। एक हैंड टॉवल है, ये मुझे नीनी ने दिया था। नीनी ने बोला था पापा इसको ले जाओ, क्योंकि अगर स्वेटिंग आएगी तो इससे साफ़ कर सकते हैं। और वाकई ये मेरे ना बहुत काम आया, और ये भी ना ऑलमोस्ट ना गीला हो चुका है इस टाइम। एक और हैंकी है मेरे बैग में, एक मेरी वॉर्म शर्ट है, ताकि रात को वॉल्वो में ठंड लगती है तो मैं उसको पहन के ही लेटा था। और एक चार्जर है, इसका वेट ना अभी फील हो रहा है कि कितना मैंने वेट उठाया। एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल मैंने यहाँ पर रखी, इसमें थोड़ा सा ही पानी है, क्योंकि पानी ना यहाँ पर फ्रिक्वेंटली मिल जाता है, पानी उठाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और ये वो फर्स्ट नज़ारा है जो मैं अभी इतनी देर से चल रहा था, और मुझे माता के भवन के दर्शन हो रहे हैं अभी फ़िलहाल। जय माता की। अभी मुझे यहाँ पे जाना है, जय माता की। अभी मैं माता के भवन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, 1 किलोमीटर से भी थोड़ी कम ही होगी, मैंने 100 मीटर आगे अभी क्रॉस कर दिया है, लगभग 900 मीटर की दूरी पे हूँ। पर मैं सच बोलूँ, मुझे ना नीचे से लेके अभी यहाँ तक ना इतनी थकान नहीं हुई, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ। बट यहाँ से जो वहाँ तक का जो सफ़र होता है ना, वो मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए ना, मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं चल तो रहा हूँ, पर मुझे ना बहुत टाइम लग रहा है वहाँ तक जाने में, पता नहीं क्यों, पर ना मतलब अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा फील होता है कि अभी मैं माता के बिल्कुल पास हूँ, बट मैं मतलब इतनी जल्दी मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मतलब ये फीलिंग है वो मैं आपको बता नहीं सकता, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जय माता दी। इतनी सुंदर, ये देखिए माउंटेन गोट, ये ना हिरण की प्रजाति का, ये क्या नाम है। मैं खुद को बहुत लक्की मानता हूँ कि आज मैंने इतनी नज़दीक से इनको देखा है। मैंने पहले देखा है, बट इतने नज़दीक से मुझे कभी दर्शन नहीं हुए इनके। ये देखिए, ये एक ना लक्की माना जाता है जिनको यहाँ पे ना दर्शन होते हैं इसके। और ये बिल्कुल खड़ी पहाड़ी से ना नीचे उतर जाते, देखिए अभी भी दिख रहा है ना नीचे, ये हिरण है, ये हिरण की प्रजाति का ही एक वो होता है, ये देखिए। और ना बिल्कुल खड़े पहाड़ पे ना उतर भी लेते हैं, चढ़ भी लेते हैं। मैं खुद को लकी मानता हूँ आज की मुझे इनके दर्शन हुए हैं ये। और ना ये एक नहीं होता, इसके साथ पक्का दूसरा भी कहीं होगा। तो जय माता दी, जय माता दी। अब ना मैं भवन के ना बिल्कुल सामने पहुंच गया हूँ। अब इसके बाद मैं ना फ़ोन नहीं लेके जा सकता ना कैमरा। अब मुझे ना यहाँ पे लॉकर्स हैं, मुझे लॉकर के सामने ना यहाँ पे लॉकर में रखना है अपना सामान सारा, विद कैमरा और ये सारा मैं लॉकर में रखूँगा। उसके बाद मैं दर्शन के लिए जाऊँगा, और फिर मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। मुझे यहाँ पे आने के लिए लगभग 2 घंटा 10-15 मिनट लग गए, तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा लॉकर के लिए, और मैं लॉकर में अपना सामान रखूँगा। लॉकर चाहिए था, कितना सामान, बैग है और ये कैमरा है। थैंक यू, मुझे लॉकर मिल गया है, तो अब मैं सारा सामान रखूँगा इस लॉकर में, फिर मैं दर्शन के लिए जाऊँगा, और दर्शन के बाद फिर वापस आऊँगा, सारा सामान लूँगा, फिर जाऊँगा भैरनाथ मंदिर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फ्रेंड्स दर्शन हो गए, और मैं ना 8-10 सालों से आ रहा हूँ,
और इतने अच्छे और इतनी जल्दी कभी भी मेरे को कभी भी नहीं हुआ यहाँ से कि इतनी जल्दी दर्शन हो गए हों, इतने अच्छे से दर्शन हो गए। मुझे हार्डली लॉकर रूम से लेके वहाँ तक ना कम से कम 25 मिनट लगे बस, और मैं वहाँ से वापस भी आ गया। और ये ना यहाँ से अब भैरवनाथ के लिए ना रोपवे केबल कार जिसको बोलते हैं हम, ये जा रही है देखो यहाँ से, अभी तो खाली जा रही है। यहाँ से ना भैरवनाथ 2 किलोमीटर दूर है, और लाइन अगर देखेंगे ना आप उसके लिए तो इतनी तो दर्शन के लिए लाइन नहीं थी जितनी इसके लिए लाइन है। मतलब अगर मैं लाइन का बोलूँ तो 1% भी दर्शन के लिए ना लोग नहीं है इतने जितने इसके लिए है। ये सारे रोपवे के लिए खड़े हैं, केबल कार के लिए खड़े हैं। और ना पता नहीं, चलो बेचारे चल नहीं पा रहे होंगे, वो जो आपको दूर तक जो लाइन दिख रही है ना, सारे रोपवे के लिए खड़े हैं। और अब हम यहाँ से घूम जाएंगे ऊपर को भैरवनाथ जी के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी सारी पौड़ियाँ ही चढ़ूँ, अब देखते हैं वहाँ का रास्ता कैसा रहता है। जय माता दी। नीचे से एक पौड़ियाँ थी वो तो कर दी क्लियर, अब दूसरी वाली है, देखता हूँ ये कितनी है। यहाँ से है 67, ये 67 पौड़ियाँ भी होगी। अब देखता हूँ आगे कितनी है, आगे फिर से है पर आगे इस बार ही ज़्यादा है, आगे है 351। अब होगी फिर से सीढ़ियाँ शुरू। जय माता दी, जय भैरव बाबा। ये वाली भी होगी कंप्लीट, अब है 150, ये है 150, तो इनको भी करते हैं कंप्लीट। जय माता दी, जय भैरव बाबा। तो ये भी होगी 150, अब है जी 107। जय माता दी, जय भैरवनाथ, इसको भी करते हैं कंप्लीट। कंप्लीट अब है 75। जय माता दी। ये भी होगी कंप्लीट, और अब यहाँ से है आगे 262, तो इनको भी करते हैं पूरा। जय माता दी। और ये ना लास्ट ही थी ऑलमोस्ट, जैसे मैंने सोचा था ख़त्म होगी यहाँ पे। अब आगे हम भैरव बाबा के मंदिर में, और ये यहाँ पे सारा रस है बहुत ज़्यादा। अभी देखते हैं दर्शन के लिए, ये ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है, और यहाँ पे वैसे मोस्टली ना ज़्यादा रस होता नहीं है, बस ये लाइन है जो ये है ना इधर, बस यही लाइन है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ना लॉकर्स नहीं होते नहीं, तो ये है ऊपर भैरव बाबा का मंदिर। जय भैरव बाबा। तो दर्शन करते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरव बाबा। ये भी भैरवनाथ से वैष्णो माता जी के लिए, बट अभी धुंध इतनी ज़्यादा पड़ गई है ना, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है बीच में। और दूर दूर तक फिर सिर्फ धुंध दिख रही है सारा, और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से, बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है बादल ना नीचे धरती पे उतर गए। अब मैं भैरवनाथ से नीचे की तरफ जा रहा हूँ वापस, बट अब यहाँ पे ना मौसम बहुत ख़राब हो गया है, चारों तरफ धुंध पड़ गई है। यहाँ पे ना लोग पता नहीं अपनी निशानियाँ छोड़ के जाते, देखो कैसे बनाया है इन्होंने पत्थर के ऊपर पत्थर रख के छोटे छोटे से घर बनाए। ये मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, देखो ऊपर तक भी ऐसे ही बनाए, ऐसे ही बनाए ऊपर तक सारे, वो ऊपर तक भी है। अब ऑलमोस्ट सारे ही ना पूरी धुंध हो गई है, और थोड़ी थोड़ी सी ना बारिश की छींटे से भी लग रहे बीच बीच में, और ऊपर ऊपर ही था। अब नीचे तो ठीक था मौसम, बस ऊपर ऊपर ही है ये सारा कुछ,
देखो नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ से ऊपर से सांझी छत दिखती थी, हेलीपैड है, बट वो कुछ दिख नहीं रहा है अभी क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा पड़ गई है। तो मिलते हैं नीचे तक, जहाँ मौसम क्लियर होता है मैं वहाँ से फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है वहाँ। दिन के 12 बजे हैं और मौसम देखो आप, यहाँ पे बहुत अच्छा ठंडा ठंडा है। बीच में तो लोगों ने पीछे जैकेटें भी लेके आए, जैकेटें पहनी थी, बिल्कुल ठंडा है। और कुछ तो बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी का मौसम हो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। नीचे इतनी गर्मी थी कटरा में और यहाँ पर इतना अच्छा है। मैं पहुँच गया हूँ सांझी छत और यहाँ पर ना हलवा प्रसाद मिलता है, तो हम प्रसाद लेने जाएंगे अब। और बारिश हो रही है ऊपर से और बहुत ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है यहाँ पे सारे। अभी चलते हैं अंदर प्रसाद लेने। ये हमारा हलवा प्रसाद और यहाँ पे देखो ये चम्मच है, मैं चम्मच लूँगा, बहुत डिलीशियस होता है। यहाँ पे जगह देखते हैं, यहाँ पे मेरे को जगह मिल गई है, यहाँ पे बैठूंगा मैं, खा लेते हैं। टेस्ट करते हैं कैसा है, गर्म बहुत डिलीशियस है, बहुत अच्छा है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत डिलीशियस, बहुत अच्छा। मैं दूसरी प्लेट ले नहीं सकता, नहीं तो मन तो ऐसा है कि मैं दूसरी प्लेट भी खाऊंगा इनको। और खा लेता हूँ फिर करता हूँ आगे की ब्लॉग में। तो मैं पहुंच गया हूँ नीचे, ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश थी और धुंध थी, बीच में बहुत ज़्यादा बारिश लगी मुझे, तो उसके बाद मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। और अभी नीचे आ गया हूँ, डाउन कटरा में आ गया हूँ, यहीं से मैं अब मेरी मुझे स्लीपर मिलेगी यहीं से और मैं यहीं से अब निकल जाऊँगा। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।